हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो व्लॉग है आपका भाई डायरेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, ये जगह तो बहुत बार आप लोगों ने देखी होगी मेरे व्लॉग में, नहीं देखी तो बता देता हूँ। चलो हम हैं आज काटस पे और हम इसलिए आए हैं यहाँ पर, हम का मतलब है कि हमारे साथ जो है अपने भाई हरीश भी है। बोल दो शास्त्रीकाल, बोल दो शास्त्रीकाल। बोलना ही था मैं, क्या दूर तो आवाज़ नहीं आएगी करके, मैंने अभी बोला शास्त्रीकाल। तो अभी देखो इन्होंने तो बोल ही दिया है। हम इसलिए आए यहाँ पर क्योंकि आज जो है फ़ोटोशूट होगा, तो वो रोड पे जो है हम लोग ने फ़ोटोशूट तो किया है, वहाँ का मैंने व्लॉग नहीं बनाया। हम लोग का प्लान ये है अभी फ़िलहाल यहाँ पर फ़ोटोशूट करते हैं, और बाकी जो फ़ोटो देखने हैं आपको तो जाइए दोनों का इंस्टाग्राम जो है चेकआउट करिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा तो आईडी यहाँ पर ही शो हो रहा है, तो जाके चेकआउट कर लो, फिर देखते हैं अभी। चलो बाकी का, आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा सही है। और उससे पहले एक बात बताओ, इधर आया ना गिरते गिरते पहले बच गया। क्यों गिरते गिरते बचा? कि भाई यहाँ पर जो है ना ये पूरा पत्थर का बनाया हुआ, इस पर पूरी काई लगी हुई है, और मैंने आज जो है शूज़ नहीं पहने, स्लीपर पहन के आ गया, फ्लिप फ्लॉप, और ये इतने स्लिप होते ना कि मैं कितनी बार गिरते गिरते बचा हूँ, और आज तो आते सीधा स्लिप, और भाई बचा सीधा, वरना पत्थर पे गिरता ना तो पता नहीं क्या होता। तो चलिए अभी फ़ोटोशूट जो है करते हैं। तो अभी का मौसम देख सकते हो क्या भाई, हमारे सूरज देवता जो है यहाँ से आ रहे हैं, और ये पूरा एकदम खाली, आज तो पूरे कौवे हुए उड़ रहे हैं सब, देख लो आपको दिखाएगा आपका भाई सब कुछ। तो वो देखो वहाँ पर है, दूर दूर तो कुछ दिख रहा है या नहीं मेरे को नहीं पता, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये अपना काटस है भाई, ओ भाई साहब, वो रे मस्त लग रहा है, वहाँ पर फ़ोटोज़ भी अच्छे आएंगे वैसे। तो यहाँ हर टाइम जो है हम लोग उस साइड चले जाते हैं, वहाँ पर रील शूट करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं। यहाँ पर हमारे गणपति पप्पा हैं, गणपति पप्पा मोरिया, जा जाओ हमारे साथ ही है और हमेशा हमारे साथ ही रहना। तो आज इस साइड चलते हैं और इस साइड जो है हम फ़ोटोज़ लेंगे। वैसे मेरा मन हो रहा है कि मैं बोट पे फ़ोटोज़ लूँ, लेकिन यहाँ पर जो है बोट पे फ़ोटो लेने नहीं देंगे। चलो देखते हैं अभी। बाय द वे यहाँ पर भी मुझको संभाल के चलना पड़ रहा है, इतना ये मिट्टी ना काई वाला है पूरा। अब सीन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हम लोग ने फ़ोटो शूट कर लिया, फटाफट फ़ोटो शूट कर रहे थे, यहाँ पर पुलिस वाले आ गए और भगा रहे सबको। अरे भाई वो तो छोड़ो, लेकिन उससे पहले ना मेरे को ऐसा मुंह बना रहा हूँ, मतलब समझ जाओ अभी बहुत गंदी वाली मेरे पैर पे लग गई है, कैसे लगी बताता हूँ। अब पुलिस वाले आए तो भागने के चक्कर में, भाग रहे नहीं थे मतलब अंदर रख रहे थे, जैसे मैंने बोला कि पूरा स्लीपरी है मेरा ये चप्पल, तो भाई ये स्लीप हुआ, सीधा पैर कट गया मेरा, और वो दिखाता हूँ अभी। तो पैर की कुछ सीन ऐसी है, पूरा कट गया ये, वो भी एक नहीं तीन चार जगह से पूरा कट गया। मैंने कहा ऐसा वाला लगेगा यार, पहले लगा था लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था जब मेरे पैर तो वो पिछली बार मेरे को लगी थी लेकिन इतनी भी नहीं, लेकिन आज जो भाई पैर फटा है ना, क्या मालूम क्या है भाई। ओ पानी में पैर डाल जा, बहुत गंदा वाला जल रहा है, कुछ नहीं हो सकता अभी, चलो यहाँ से पहले तो देखो ना कुछ भी हो जाए लेकिन नवाबी ना घटे हमारी। वैसे ये वाला चश्मा जो है ना ये मेरा है और बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल कैसे मैं बताता हूँ, अभी स्पाइडरमैन नो वे होम आ रही है और वो मूवी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि उसके अंदर जो डॉक्टर ऑक्टोपस का रोल प्ले कर रहे ना बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर है, इसलिए वो मेरे दिल के बहुत पास थी। और भाई नीचे ही चल तू, हाँ नीचे चल तू, ना वापिस से लगेगी। वो चश्मा देखा ना तो एकदम मतलब मेरा दिल उसके ऊपर आ गया था जब हम लोग साथ में ही गए थे। हाँ तो मतलब हाँ तुरंत ले लिया था, बार्गेन किया 350 बोला था, 350 भाई अभी 120 में मिल गया। बोलता फाइनल भाई आज मतलब आज नसीब खराब है, यहाँ पर चलना मुश्किल है मेरे लिए। कैसा लगा है ऐसा पैर पे ऐसा चल रहा हूँ ना, चलो इसी बहाने अभी लग गया है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो जल्दी। हम लोग आ चुके हैं इधर बाहर, और जो यहाँ का सीन है आपको पता ही है, सब जगह मास्क के लिए तो फाइन पड़ना ही है। ऊपर कर लेते हैं सच्चा, अपनी जो डोमिनार है यहाँ पर ही खड़ी है, पैर पे लगी है, बहुत दुख रहा है यार। अभी आज से पहले तो जाऊँगा, एंटीसेप्टिक लगाना ही पड़ेगा वरना इन्फेक्शन हो सकता है, एंटीसेप्टिक लगा लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं अपने पैर पे इंजेक्शन ले लूँगा। अगर आपको भी कभी लग जाए कोई लोखंड की या फिर शैल की, इंजेक्शन ले लेना, दवाई भी ले लेना। अभी मैं जाके पहले बताऊँगा जब इसका मलम पट्टी होगा ना वो वाला। अभी सुबह हो चुकी है और मैं उठ गया हूँ, कल जो है पैर पर लगी थी उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं किया था, आके डायरेक्ट जो है बैठा था, पहले एंटीसेप्टिक लगाया उस पर, फिर थोड़ा दर्द बढ़ गया था, रात में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसकी वजह से मैंने जो है दवाई खा ली थी। लेकिन अब जो है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इसके लिए, और टीटी का इंजेक्शन जो है वो लेना है,
पे लगी है वो कुछ ऐसा है सीन, ये देखो ये पूरा ऐसा हो गया पूरा पैर, बहुत गंदी वाली लगी अभी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। पहले टीटी का इंजेक्शन ले लिया है, अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, घर पे से डायरेक्ट यहाँ पर ही आया हूँ, तो चलते और पहले इंजेक्शन ले लेते हैं। अभी शाम हो चुकी है और मैं जो इंजेक्शन लेके दोपहर में आ गया था घर पे, आने के बाद पता नहीं कैसा हो रहा था, सीधा नींद आ गई मेरे को, तो मैं सीधा है ना 6 घंटे बाद उठा हूँ, वैसे सो गया था ना, बताओ क्या ही बताऊँ मैं, तो उसके लिए अभी उठा हूँ और अभी जाके थोड़ा दवाई ले लेता हूँ, पैर दर्द कर रहा, हाथ पे जो इंजेक्शन दिया था ना वो दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन ले ली है मैंने, तो अभी फटाफट से थोड़ा दवाई ववाई ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा मतलब अभी थोड़ा नाश्ता करके दवाई ले लूंगा। भाई देव आज का ब्लॉग इतना रखते, अगर पसंद आया तो कर देना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं हो तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, जब तक के लिए बूम।